बसों की ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा अचानक जारी किए गए फरमान के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन भेजकर ओवरलोडिंग के खिलाफ के लिए फैसले की कड़ी निंदा की। बसों की ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा अचानक जारी किए गए फरमान के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर ओवरलोडिंग के खिलाफ लिए गए फैसले की कड़ी निंदा की। वहीं इस मामले को लेकर मंडी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने सरकार से इस फैसले को आनन फानन में लिया गया फैसला करार दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक सरकार का ये फैसला जन विरोधी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की जिला सचिव और मंडल के सदस्य जयवंती ने बताया कि ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, इस बात के हक में सभी हैं, मगर ओवरलोडिंग को बंद करने का फरमान जारी करने से पहले इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार को प्रारूप तैयार करना चाहिए था, उसके बाद ये फरमान जारी होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों और युवाओं के खिलाफ लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले बसों की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ में निगम में कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। जयवंती ने कहा कि सरकार ठेकेदारी प्रथा की आड़ में आम जनता को लूटने पर उतारू है। आज जो है राज्य कमेटी की आह्वान पर जो है पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय और उपमंडल मुख्यालय स्तर पर ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के आयोजन में मंडी जिला में भी हमने ADC के माध्यम से आज जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बंजार में जो बस हादसा हुआ उस पे जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो एक कड़ा संज्ञान लिया कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, हम भी उसका समर्थन करते हैं, पर हम उसका दूसरी तरफ से कड़ा विरोध भी करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो आनन फानन में वो फैसला लिया है। उस फैसले लेने से पहले अगर वो बस की सुविधाएं करते और जिन रूटों में कितनी बसें लगनी चाहिए उनको चलाते ताकि छात्र, नौजवान और मजदूरी करने वाले और नौकरी पेशा लोगों को असुविधाओं का सामना ना करना पड़ता और आम जनता की लूटनी होती है। हमें लग रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह फैसला जन विरोधी लिया है और इससे एक तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार जो हिमाचल की ठाकुर जयराम की सरकार है जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे हमें ये लग रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नहीं है पर बेटियों की जो शिक्षा नीति के ऊपर जो उनको फर्क पड़ेगा क्योंकि उन्हें घंटों पैदल जाना पड़ेगा। अगर घंटों वो पैदल जाएगी तो उनके साथ क्या हो रहा है क्योंकि ये 1.5 साल के अंदर हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आज महिला और बच्चियां सुरक्षित नहीं है और हमारे ये सरकार के आगे अभी आग्रह कर रहे हैं हम शांति प्रिय तरीके से कि वो जो इन्होंने संज्ञान लिया है ओवरलोडिंग का, इस ओवरलोडिंग के संज्ञान को पहले वहाँ सुविधा लगाए, सुविधा करे, बसें लगाए, जो बसें डिपो में बैठी है सड़ रही है उनको सड़कों में दौड़ाए और जितना भी HRTC विभाग में पद खाली है उनको भरे, तभी ये ओवरलोडिंग की समाधान हो सकता है। नहीं तो हमें ऐसा आशंका पैदा हो रही है कहीं ये जो ठेकेदारी प्रथा है या इसको हम क्या बोले कि ठेकेदारी प्रथा के आड़ में लोगों का पैसा लूटने की एक और नजरिया सामने ऐसा महसूस किया जा रहा है। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि इसके लिए कड़ा संज्ञान ले, नहीं तो जन आक्रोश ज़्यादा हो सकता है।